एसी बहुत तगड़े यार, मुझे इसका हॉरर लग रहा है। ये फिल्म जो है ना, ये किरदार जो है, ये एक बहुत खूबसूरत आदमी है, क्योंकि ही इज वाउंडेड, मतलब जब आप मिलते हो उस बंदे को तो टूट चुका है ये इंसान, और इसकी जर्नी है ये पूरी फिल्म। मतलब वो स्टार रह चुका है एक ज़माने में, बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा कलाकार था वो, उसका बच्चा मर जाता है, फिर वो दारू नशों में अपना मतलब करियर भी खो देता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म जब आप इस किरदार को अमन को मिलते हो तो सारी चीज़ों से वो ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जर्नी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ग्राफ है। तो एज एन एक्टर भी बहुत मज़ा आता है जिस तरह के किरदार मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म। फिर एक लड़का है जो अपनी बीवी के सर्च में निकलता है और बीवी को ढूंढता है, तो एक अलग तरह का फियर है। इट्स अ न्यू फियर ऑल्सो फॉर विक्रम भट्ट, जो मुझे, मैं हमेशा मजाक करता हूँ, वो हॉरर के किंग हैं, उनके लिए भी एक अलग मिजाज की फिल्म। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जुदा होके भी एक ऐसी कहानी है जो मेरे कह सकते हैं गुरु ने मुझे दी है। और ये फिल्म जो है वो मैंने अपने गुरु के लिए बनाई है, अपने गुरु को अर्पण की है। और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देखो विक्रम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूं, तो यार मैं हॉरर में लव स्टोरी नहीं लिख सकता। कहा हॉरर मुझे नहीं आता, अगर तुम लव स्टोरी में हॉरर बनाओगे जैसे राज थी तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा वैसे बॉस, मैं तो हॉरर में मेरी लव स्टोरी ही होती है, लेकिन हाँ इस बार आप सही कह रहे हैं, लव स्टोरी में हॉरर बनाते हैं। तो इसलिए टाइटल भी जुदा होके भी, टाइटल कोई भूतिया नहीं है जैसे कि शमशान या ग्रहण या ऐसा कुछ नहीं है, ये जुदा होके भी है, लव स्टोरी है और बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जिसका विलन जो है वो हॉरर। भट्ट साहब का रिएक्शन जनरली ऐसा होता है कि बड़ा ऑनेस्ट होता है, या उनको पसंद आता है या उनको बोलते हैं कि बकवास। तो पहला जो टीज़र आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये क्या है, ये तो पिक्चर भी नहीं है। फिर हमने उनको बैठ के समझाया कि बॉस देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है हॉरर फिल्म में जो हम रिवील नहीं कर सकते। कि हाँ मत करो रिवील, लेकिन प्रोडक्ट तो छपनाओ। फिर मैं गया अपने दोस्त के पास बंटी, जो बेस्ट प्रोमो बनाता है, फिर हमने बैठ के एक प्रोमो बनाया जो उनको अच्छा लगा। सो केसरा सरा एक्चुअली इट हैज़ नोन फॉर मेकिंग फिल्म्स जो हमेशा से कोई जर्नर स्पेसिफिक नहीं रही है। सो वी हैव मेड हॉरर फिल्म्स, वी मेड कॉमेडी, वी मेड पॉलिटिकल, बट वी वर मोर फोकसिंग ऑन द थिएटर साइड ऑफ इट, कि हम थिएटर्स लॉन्च कर रहे थे अक्रॉस इंडिया। एंड देन वी मेट सर, एंड वी एक्चुअली मेट सर फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड वेन वी मेट सर वी गॉट दिस एंटायर आइडिया ऑफ द फिल्म मेकिंग, द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ द अपकमिंग फिल्म्स ही इज़ हैविंग करेंटली। So sir is a legend in the industry, everybody knows about that already. So matlab agar aap ye bolo to industry mein agar horror aur romance koi leke aaya, so that is sir. Inke ilawa there's nobody who's even touched that point. So since we had made horror films in the past and we wanted to do something similar, because aajkal agar aap films dekhoge, so there are a lot of horror comedies, there are a lot of सच कॉमेडी एलिमेंट्स जो हॉरर में वो लोग डाल रहे हैं, बट देयर वाज नथिंग लाइक व्हाट दे हैव मेड इन द पास्ट। सो वेन वी कोलैबोरेटेड फॉर द प्रोजेक्ट, वी वर वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद जुदा होके भी एंड ऑल द अपकमिंग फिल्म्स। मुझे याद है विक्रम सर ने मुझे कॉल किया था, एंड वो मुझे माजदा बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा माजदा ऑफिस आ जा। मैंने कहा सर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा यार एक रोल है, तू आ जा। तो आई वेंट टू ऑफिस। मेरे दिमाग में ये था कि शायद वो एक कोई वेब शो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं और मुझे शायद सोच रहे होंगे हीरो के तौर पे कास्ट करना। तो मैं चला गया, तो मैंने देखा पहले तो महेश सर बैठे थे वहाँ, और महेश सर तो मतलब सबको पता ही है, इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो मेरी थोड़ी फट गई, तो उन्होंने कहा मास्टर आई हर्ड सो मच अबाउट यू। मैंने कहा सर आई होप यू हर्ड गुड। तो उन्होंने कहा सिट। 5 मिनट तक वो मेरा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा तू बड़ा पॉजिटिव बंदा है यार। मैंने कहा थैंक यू सर, तेरे में यार कुछ है। मैंने कहा थैंक यू सर, तू विलेन बनेगा।
बोला क्या? बोले तू विलेन बनेगा। बोला सर कुछ कैमरा वैमरा डाल के कुछ ये हो रहा है क्या? तो मैंने कहा नो यू आर अ विलेन। बोला ओके। उस टाइम पे तो मैं खुशी खुशी हाँ बोल के निकल गया। लेटर मैं रियलाइज यार मैं विलेन मतलब देखा विलेन दिख तो नहीं रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई विलेन का रोल मिला है मुझे। तो उसने कहा करना। मैंने कहा यार पर मैं विलेन मतलब मैंने सोचा भी नहीं है। उसने कहा यार हो जाएगा हो जाएगा। फिर वर्कशॉप्स हुए एंड इवेंचुअली इट केम आउट वेरी वेल। आई myself saw द फिल्म अ कपल ऑफ डेज अगो एंड काफ़ी डरावना लग सकता हूँ मैं थैंक्स टू विक्रम सर एंड महेश। विक्रम सर का महेश सर का एक ही आदेश था कि हिट गाना बनाना है। सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का होता है एंड हम लोगों का भी टारगेट यही होता है कि भाई हम हिट गाना बनाएं और इतना आसान गाना बनाएं कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाए, धुन भी इतनी आसान बनाए। तो हम लोगों ने वही कोशिश की। विक्रम सर ने मुझे ब्रीफिंग दी है, गानों के सिचुएशंस दिए, बहुत सारे आइडियाज़ दिए। हम लोगों ने कुछ क्रैक किया, हम लोगों ने कोशिश की नया म्यूज़िक करने की एंड लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं शब्दों से धुनों से। और देखते हैं 15 तारीख के बाद और कितना पसंद आता है।